सरदार वली खान के जो पिताजी थे वो गोवा वाला परिवार के एक वॉचमैन की तरह वहाँ पर काम करते थे। और जब हमने संपत्ति गोवा वाले परिवार से ली तो 300 मीटर पे सरदार वली खान ने अपना नाम चढ़ा लिया था। जब प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर करने गए ये बातें सामने आई और हमने 300 मीटर का पैसा देकर उन्होंने जो अपना राइट क्रिएट किया था वो उनसे सरेंडर करने का काम किया। आज भी वो हमारे घर के पीछे ही दो प्रॉपर्टी पीछे वो सारी जगह है, जो गोडाउन है वो भी वो हमारा वहाँ पर है, जो आगे इमारत है उसमें भी जो चार दुकानें उस समय हमारी थी वो भी है, आज वहाँ पे किराए पे लगाई हुई है। जब प्रॉपर्टी ली तो आगे जो गोवा वाला बिल्डिंग है जिसमें चार दुकानें, आठ दुकानें नीचे, आठ घर ऊपर, ये सारी संपत्ति उस समय हमारी हुई। उसमें से बाद में एक बियर बार था, मुसलमान होने के नाते समाज का दबाव होने लगा कि आपके संपत्ति में बियर बार है, वो बियर बार को भी ज्यादा पैसा देके हमने सरेंडर करवाने का काम किया। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।